अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसेंट ऑफ सेप एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी। तो इस वीडियो में हम स्पेशली एसेंट ऑफ सेप के बारे में बात करेंगे कि एसेंट ऑफ सेप क्या है, और इसके साथ साथ जाइलम जो है इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एसेंट ऑफ सेप को डिफाइन करेंगे कि एसेंट ऑफ सेप है क्या। तो एसेंट ऑफ सेप को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स स्पेशली अप टू द लीव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सेप। देखो हम डिफिनेशन जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने ग्रेविटी के बारे में बात करनी होगी कि ग्रेविटी क्या है। देखो जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंक देते हैं ना, तो फिर वो चीज़ जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो खुद ब खुद नीचे ज़मीन की तरफ आता है। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि इस ऑब्जेक्ट पर ज़मीन जो है वो अपनी तरफ फोर्स लगाती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ कशिश करती है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये ज़मीन की तरफ आता है। और ये फोर्स जो है, ये अट्रैक्शन जो है, जो ज़मीन इस ऑब्जेक्ट पर लगाती है जिसको हमने ऊपर फेंका है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी। अब हम इस डिफिनीशन को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो जैसे कि पहले हमने कहा कि एसेंट ऑफ सेप जो है इसमें वाटर जो है इसकी अपर मोमेंट होगी, यानी कि रूट से इसकी मोमेंट होगी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली अप टू द लीव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम एसेंट ऑफ सेप का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं और ये इसकी लीफ हैं। अब ये जो प्लांट है ये साइल से वाटर को एब्जर्व करेगी इस रूट्स के थ्रू। अब ये जो वाटर है ये इस प्लांट बॉडी में अपर मोमेंट करेगी अप टू द लीफ। अब यहाँ पर इस वाटर की जो मोमेंट है प्लांट बॉडी में वो अपवर्ड है, और इस वाटर पर जमीन जो है वो अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, यानी कि इस वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी जिसको हमने नाम दिया है ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो मोमेंट है वाटर का वो अपवर्ड है और ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है। अब इस मोमेंट को जो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वाटर कर रही है इसको हम नाम देते हैं एसेंट ऑफ सेप। अब हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जो जाइलम पर किए गए थे। देखो अभी तो हम सबको पता है कि प्लांट बॉडी जो है इसमें वाटर की जो अपवर्ड मोमेंट होती है वो जाइलम के थ्रू होती है, लेकिन पहले ज़माने में साइंटिस्ट को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि आया ये जो मोमेंट है प्लांट बॉडी में अपवर्ड ये जाइलम के थ्रू होते हैं या इसमें कोई और फैक्टर जो है वो भी इन्वॉल्व है या कोई और टिश्यू जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो इस पर साइंटिस्ट जो थे इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट थी वो ये थी कि साइंटिस्ट जो थे उसने एक प्लांट जो थी इससे एक ब्रांच को काट किया, और ये जो ब्रांच था इसको रखा गया कलर्ड वाटर में, यानी कि इस वाटर में साइंटिस्ट जो थे इसने एक तरह का रंग जो था उसको डाला था, यानी कि जो वाटर थे जिसमें ये ब्रांच को रखा गया वो कलर थे। तो तकरीबन आधा घंटा बाद साइंटिस्ट ने जब इस ब्रांच की ट्रांसवर्स सेक्शन की, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ब्रांच है इसको रखा गया है कलर्ड वाटर में, तो आधा घंटा बाद साइंटिस्ट जो थे इसने इस ब्रांच को इसी तरह कट किया, इसकी क्रॉस सेक्शन की, और जब इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया तो इसके जो जाइलम वेसल और ट्रेकीट थे वो कलर्ड थे। तो फिर साइंटिस्ट ने इससे यह प्रूव किया कि प्लांट बॉडी में जो वाटर की अपवर्ड मोमेंट है वो जाइलम के थ्रू होती है। लेकिन साइंटिस्ट जो थे उसके दिल को फिर भी सुकून नहीं मिला, उसने एक और एक्सपेरिमेंट भी की, और वो एक्सपेरिमेंट थी कि अगेन साइंटिस्ट जो थे इसने एक प्लांट से फ्लोएम को रिमूव किया,
और जब साइंटिस्ट ने एक प्लांट से फ्लोएम को रिमूव किया और इसके बाद उस प्लांट को देखा गया, तो उस प्लांट में वाटर की जो मोमेंट थी, जो अपवर्ड मोमेंट थी, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। यानी कि उस प्लांट बॉडी में वाटर की जो मोमेंट थी वो कंटिन्यूस थी। इसके बाद एक और प्लांट था, उससे जाइलम को रिमूव किया गया। तो जब जाइलम को रिमूव किया तो साइंटिस्ट ने जब उस प्लांट को देखा तो उसमें जो अपवर्ड मोमेंट थी वाटर की वो डिस्टर्ब हुई थी, इवन स्टॉप हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट से भी साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया कि प्लांट बॉडी में जो वाटर की मूवमेंट है वो जाइलम के थ्रू होती है। फिर भी साइंटिस्ट के दिल को सुकून नहीं मिला, उसने एक और एक्सपेरिमेंट भी की, थर्ड एक्सपेरिमेंट। वो किस तरह थी? साइंटिस्ट ने एक प्लांट की जाइलम टिश्यू जो थे उसको भी देखे और फ्लोएम टिश्यू जो थे उसको भी देखे। तो जो जाइलम टिश्यू थे वो डाइल्यूट भी थे और वाटरी भी थे, और जो फ्लोएम टिश्यू थे वो ना डाइल्यूट थे और ना वाटरी थे। तो इससे भी फिर साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि वाकई प्लांट बॉडी में जो वाटर की मूवमेंट होती है वो जाइलम के थ्रू होती है, ना कि फ्लोएम। तो ये थी एसेंट ऑफ शेप। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेंट ऑफ शेप के बारे में डिफरेंट थ्योरी जो है वो जो पेश किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड हाफिज़।